विभिन्न मांगों को लेकर स्कूल संचालकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सिंगरौली जिले के समस्त प्राइवेट स्कूलों में सोमवार से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार 4 बजे मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने मांग की है कि कोरोना काल में स्कूल लगातार बंद रहे, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मान्यता नवीनीकरण हेतु निरीक्षण करवाया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिस प्रकार 2020-21-22 की मान्यता का नवीनीकरण किया गया था, उसी प्रकार इस बार भी कक्षा 1 से 12 तक मान्यता का नवीनीकरण किया जाए। स्कूल संचालकों का यह भी कहना है कि छात्रवृत्ति जांच के विषय में जिस प्रकार से संस्थाओं को परेशान किया जाता है, वो बंद किया जाए। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि शासकीय शालाओं में बिना टीसी के प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। अधिकांश पालकों द्वारा शाला की फीस न चुकाकर शासकीय विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिलवाया जा रहा है, जिससे प्राइवेट विद्यालयों का भारी नुकसान हो रहा है। 2011 से 2016 तक की शुल्क भुगतान हेतु राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश दिए गए, परंतु अब तक भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने फीस की प्रतिपूर्ति तत्काल कराने की मांग की है। उन्होंने ये भी मांग की है कि कोरोना काल के दौरान स्कूल लगातार बंद रहे, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा है। अतः अन्य राज्यों की तरह आर्थिक मदद देने के साथ ही संपूर्ण प्रकार के टैक्स, बिजली बिल, बैंकों की किस्त माफ की जाए। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि मंगलवार 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक अपने संकुल स्तर पर बने व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होंगे और विद्यालयों की चाबी जिला शिक्षा अधिकारी तथा भोपाल लोक शिक्षक संचालनालय को सौंपेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान तमाम प्राइवेट स्कूल के संचालक उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? डॉक्टर सुनील तिवारी। सर, किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्ट्रेट में? मैं जिला सिंगरौली का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में आज समस्त स्कूलें बंद थी और ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद थी, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ है। जैसे स्कूल खोलने का परमिशन नहीं मिल रहा है, RTE में जो है फीस नहीं मिल रही है, RTE में सीट घटा दिए और इस तरह से बीच बीच में आदेश जारी कर गार्जियन और बच्चों के बीच में, गार्जियन और विद्यालयों के बीच में एक सरकार सस्पेंस पैदा करती है। इसी बात को लेकर के आपने इसी बात को लेकर आज हम लोगों ने सस्पेंस इसलिए, कभी कि आपको ट्यूशन फीस लेना है, कभी कभी नहीं लेना है, कभी आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, कभी नहीं पढ़ाना है, इस तरह से तमाम विसंगतियां पूर्वक आदेश निकालते हैं। तो कितने बच्चों का वही सुझाव पर लगा हुआ है? पूरे सिंगरौली जिला में 1200 प्राइवेट स्कूलें हैं, 30,000 बच्चे हैं और अगर हम लोगों की मांग नहीं मांगे मांग हम लोगों की मांग अगर नहीं मानते हैं, हम लोग फिर जिला शिक्षा अधिकारी को अपने स्कूलों की चाबियां सौंप देंगे, जिससे हमारे स्टाफ बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग अपने गाड़ियों बस की EMI नहीं दे पा रहे हैं और स्कूल का भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं, टीचरों को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं और सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि अगर कुछ भी प्रभावित है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो एजुकेशन प्रभावित है।